देवदूत, आपने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ तो देवदूत भी मुझसे मिलने आए थे, क्या वही देवदूत थे? हाँ बेटा, वो वही देवदूत थे। तुम्हारे जन्म से पहले वो मेरे पास ईश्वर का संदेश लेकर आए थे कि ईश्वर मुझे एक दिव्य उपहार देने वाले हैं, और ईश्वर के उसी उपहार के रूप में तुमने जन्म लिया, इसीलिए तुम्हारे जन्म पर देवदूत तुमसे मिलने आए थे। देवदूत दिखते कैसे हैं माँ? उनके आसपास हमेशा एक दिव्य सफेद चमक होती है, मानो ईश्वर का पवित्र तेज और प्रकाश हमेशा उनके साथ चलता हो, और उनके चेहरे से हमेशा प्रेम और करुणा छलकती है, और उनके वस्त्र भी पवित्रता और शांति का प्रतीक सफेद रंग के होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ईश्वर के दूत होने के नाते उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण पवित्र हो जाता है और व्यक्ति खुद को ईश्वर के करीब महसूस करता है। मैंने जिसे देखा वो देवदूत तो नहीं हो सकते, क्योंकि माँ जो बता रही है वो तो देवदूत के बिल्कुल विपरीत है। फिर मैंने जिसे देखा वो कौन थे? वो मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? चाहते क्या है वो मुझसे? यीशु, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तुम्हें जो बात परेशान कर रही है वो मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। जब भी तुम्हारा मन हो मुझे आकर बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास भी हूँ और तुम्हारे साथ भी हूँ। पता है परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब ये होता है बेटा, सुख और दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हुँ? देख क्या रहे हो? मार डालो इन बच्चों को। अब तक सम्राट के पास ये संदेश पहुंच गया होगा कि यीशु वो चमत्कारी बच्चा नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा ताकि महल में कैद बंदी बच्चे भी बच जाएं और यीशु भी। सम्राट का संदेश। सम्राट का आदेश कि सेंचुरियन और उसका सहायक गांव के मुखिया रबी गुरुजी को लेकर कल सूर्यास्त से पहले दरबार में पहुंचे, नहीं तो महल में बंदी सभी बच्चों को कल सुबह तक मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि सेंचुरियन भविष्यवाणी वाले बच्चे को अभी तक ढूंढ नहीं पाए। हमें अभी यहां से निकलना होगा। सम्राट ने रबी गुरु को लाने का आदेश दिया है, अब उन्हें अपना असली परिचय देना होगा। और सुनो, जिस समय मैं रबी गुरु जी से बात कर रहा हूँ तुम जाकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी नीमा से बात करना। मैंने सुना है कि बचपन में वो अंधी थी, फिर अचानक उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता करो ये कैसे हुआ। हो सकता है कि सम्राट को बताने के लिए हमें कोई नया सुराग मिल जाए। जाओ। जी। सम्राट ने रवि गुरु को बुलाकर मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया। अब जब सम्राट के सामने रवि गुरु यीशु के खास बच्चा होने से इनकार करेंगे, वहीं उनका ये खबरी नीमा से मिलने के बाद कोई और ही कहानी बयां करेगा।
परिवार का मतलब ये होता है बेटा, सुख और दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। माँ, आपने बताया था कि जो लोग हमारे करीब होते हैं उनसे हम अपने मन की कोई भी बात कर सकते हैं, और आपने ये भी कहा था कि वो हमारी बात समझेंगे भी और हमारे साथ खड़े भी रहेंगे। लेकिन जब मैंने सबको उस आदमी के बारे में बताया था जिसे मैंने जंगल में देखा, तो किसी को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? माँ, वो सांप उस आदमी के अंदर है। कौन सा आदमी? कहाँ है? वो देखिए, है वहाँ आदमी। लेकिन जो मैं देख रहा था वो कोई और क्यों नहीं देख पा रहा था? वो आदमी सिर्फ मुझे क्यों दिखाई दे रहा था? कौन सा आदमी? वहाँ कोई आदमी नहीं है यीशु। जो लोग दिल के करीब होते हैं वो इस घेरे के अंदर होते हैं। आज से पहले यीशु को कभी मैंने इतना मायूस और उदास नहीं देखा। बड़े भैया सही कह रहे हैं, यीशु भैया तो हमेशा मुस्कुराते थे। मुझे पता है कि यीशु भैया की मुस्कुराहट कैसे वापस ला दी है। चलो ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं ये बच्चे। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? किसको क्या करना है पता है ना? ठीक है चलो, सब अपनी अपनी जगह ले लो, और याकूब तुम यहीं बीच में रुकना, ठीक है? आशिया, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी ये योजना काम करेगी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है नीमा, क्योंकि मेरे यीशु भैया बहुत खास है। और देखना, वो अपना सारा दुख भूलकर दौड़े चले आएंगे अगर कोई उन्हें मदद के लिए पुकारेगा, और तब हम सब मिलकर उनको खूब हंसाएंगे। अच्छा, इन सब बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा फिकर यीशु की इस आशिया को है। काश इसे पता होता कि जितना मैं यीशु के करीब जाऊंगा उतना ही यीशु के करीबी लोग उससे दूर जाएंगे। यीशु की जिंदगी से खुशियां उड़न छू हो जाएंगी।
यीशु, ये सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये आवाज वाली गेंद पकड़ नहीं पा रहा था। चिंता मत करो याकूब, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस बार गेंद को पकड़ने के बारे में मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ घुंघरू की आवाजों की तरफ ध्यान देना, किसी और आवाज की तरफ नहीं, समझ गए? तुम तैयार हो याकू? हाँ, मैं तैयार हूँ। गेंद फेंक पर यीशु। जो शैतानी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर वही बच्चे अगर शैतानी यीशु को खुश करने के लिए करते हैं तो शैतान को गुस्सा आता है। यीशु को मायूस और अकेला देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? कोई बात नहीं, वही अकेलापन, वही दुख में अब तुम्हें महसूस करवाऊंगा। देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। पानी के पीते ही तुम्हारे मन में इतना दुख और अफजाद भर जाएगा कि यीशु को तो छोड़ो, तुम खुद को भी खुश नहीं रख पाओगी। अकेलेपन और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। Yeah!
आश्चर्य क्या हुआ बताओ मुझे बताओ ना आश्चर्य क्या हुआ ये रो इसलिए रही है क्योंकि मैंने इसका मन दुख से भर दिया है ये रो इसलिए रही है क्योंकि मैंने इसका मन दुख से भर दिया है अच्छा सवाल है अब जवाब ध्यान से सुनो मैं वो हूं यीशु जिसके साए से भी लोग घबराते हैं कांप जाते हैं अगर मेरा काला साया किसी पे पड़ जाए तो समझो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हंसी गायब खुशी गायब आनंद गायब रह जाते हैं तो बस दुख तकलीफ और आंसू समझे तुम यीशु इस संसार की सभी नकारात्मक शक्तियों का सरताज हूं मैं मेरे एक इशारे से विध्वंस की हवाएं चलने लगती हैं देखना चाहते हो तुम ये शो ईश्वर अगर रोशनी है तो मैं अंधेरा हूं ईश्वर शांति फैलाता है तो मैं अराजकता और पीड़ा ईश्वर दुख दूर करता है तो मैं लोगों के सुख चैन हार लेता हूं ईश्वर दोनों हाथों से लौटाता है तो मैं झपट्टा मार के उसे छीन लेता हूं ईश्वर गले लगाता है तो मैं लोगों के गले काट देता हूं ईश्वर अगर जीवन देता है तो मैं उसी जीवन में जहर फैला देता हूँ ईश्वर स्वर्ग पे राज करता है तो मैं नर्क का राजा हूँ कोई और नहीं मैं यीशु शैतान हूँ मैं
शैतान हूं मैं। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं।